नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाताल नरसिंह विद्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह अत्यंत ही रहस्यमय मंत्र साधना है। कहते हैं कि भगवान विष्णु भक्तों के लिए सौम और शत्रु नाश करने के लिए महा विनाशक और नाशक रूप धारण करते हैं और उनकी ही शक्ति है पाताल नरसिंह मंत्र, जिससे शत्रु द्वारा बैठाई गई प्रेत बाधाएं, ग्रह बाधाएं, सभी प्रकार के तंत्र शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, घर की दरिद्रता दूर होती है। यह साधक के आंतरिक और बाह्य सभी बाधाओं को नष्ट करने वाला है और साधक में अद्भुत धैर्य विजय की भावना इस मंत्र के द्वारा संचार करने लगती है, जिससे साधक अपने जीवन में सभी कार्य को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के इस संहारक विद्या का जाप और प्रयोग गुरु की आज्ञा और मंत्र दीक्षा के पश्चात ही करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाशशील और शक्तिशाली है। यह मंत्र अत्यंत ही उग्र प्रवृत्ति का है एवं असीम शक्तियों से परिपूर्ण है, अतः इसका प्रयोग गुरु के संरक्षण में ही किया जाना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आपको प्राण प्रतिष्ठित नरसिंह यंत्र की स्थापना करनी होगी, फिर काले हकीक की माला से 11 दिन नित्य एक माला मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र जप की संख्या पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठित नरसिंह यंत्र को पूजन स्थल पर पुनः स्थापित करना होगा। मंत्र साधना के दौरान व्रती को दिन भर उपवास करना होगा और सूर्यास्त के पश्चात सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करने का नियम है। मंत्र साधना से आप अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस साधना को करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना अति अनिवार्य होता है। साधना आप नरसिंह जयंती के 11 दिन पूर्व से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम काली मिर्च का एक चूर्ण बनाकर देसी घी से मिश्रित कर राई के दाने के बराबर सम संख्या में दाने बना लें और उसे आधा आधा बांट लें। नरसिंह साधना के आखिरी दिन नरसिंह जयंती के दिन साधक को इन दानों को आधे दाने सुबह आधे दाने संध्या काल में 108 बार मंत्र जाप करने के पश्चात जला देना है। ऐसा करने से कठोरतम काले जादू और तंत्र विद्याओं का नाश हो जाता है। जीवन में अत्यधिक शत्रु बाधा होने पर इस मंत्र की एक माला मात्र 15 दिन करनी होती है। भगवान नरसिंह की भांति यह नरसिंह पाताल विद्या अपने साधक की रक्षा करती है और उसे सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि यह साधना आप गुरु की आज्ञा और उनके परामर्श से ही करें, अन्यथा आपको भगवान नरसिंह के कोप का भाजक बनना पड़ सकता है यदि आप कोई त्रुटि करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे दिव्य दृश्य के साथ, देखते रहे रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को